तीसरा चक्रवाती तूफान गाजा की रिहायशी इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। चक्रवाती तूफान गाजा और भयानक रूप ले चुका है। तूफान अगले 24 घंटों में उत्तरी तमिलनाडु और आंध्र के तटीय इलाकों में भी अपना कहर बरपा सकता है, तो मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। लहरें भयानक रुख लेने वाली हैं। समुद्र की लहरें ऊंची उठने वाली हैं। गाजा तूफान आने वाला है। हर बदलते पल के साथ तमिलनाडु के समुद्री तट पर चक्रवाती तूफान गाजा की आहट और तेज होती जा रही है। शांत लहरें चेतावनी का बार बार संकेत दे रही हैं। गाजा तूफान तेजी से तट की तरफ बढ़ता रहा है। तूफान सोमवार को चेन्नई से केवल 740 किलोमीटर की दूरी पर था और बुधवार तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी के तट से टकराने की संभावना है। Cyclonic storm Gaja now lies about 820 km northeast of Nagapattinam. The system is expected to cross between Nagapattinam and Chennai during forenoon on 15th. As the system crosses during from 14th November night midnight to 15th till the system crosses, Tanjavur, Thiruvarur, Nagapattinam, Karaikal, Kadalur, Puducherry and Vizhuppuram districts wind speed of that of 80 to 90 km/h and that. करीब 90 किलोमीटर की रफ्तार से तट को छूने वाला गाजा तूफान भारी बारिश का खतरा और उफनती समुद्री लहरें साथ ला रहा है। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग, प्रशासनिक अधिकारियों और सरकारों को गाजा के बारे में जानकारी दे दी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि चक्रवात जैसे हालात बनने की वजह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। We can expect some places 12 to between 6 to 12 centimeters, some places 20 to 20 centimeters, one or two places to more than 20 centimeters also expected as of now. As the system develops and further it comes to the land interaction, any changes is taking place that will be informed. अरब सागर से उठी गाजा नाम की इस तबाही का नामकरण श्रीलंका के वैज्ञानिकों ने किया है। गाजा के अलावा फेथाई तूफान की भी संभावना जताई गई है। इस साल अब तक सागर, मेकुन, दाए, लुवान और तितली तूफान आ चुके हैं, जिनमें तितली तूफान का असर अब तक तटीय इलाकों में मौजूद है। इधर लुवान तूफान का असर अभी हिंद महासागर के पश्चिम में है और अब गाजा तूफान आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।